यहाँ दोस्तों आज हम सिंगर FM 2250 ये मशीन अभी बुलवाई है मैंने। इसके सारे फीचर्स के बारे में जानेंगे, कितने की पड़ी, कहाँ से बुलवाई मैंने और किस किस काम में आती है ये सारे देखेंगे। चलिए इसका पैकिंग खोलते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं इसमें क्या क्या निकलता है। निकाल चालू रहे ये पूरी AC सीरीज है। कवर आया है, वारंटी कार्ड, 2 साल की वारंटी आई है इसमें। ये मशीन देखते हैं, इसमें एक्सीलेटर है, ये देख लें दोनों तरफ से। सिंगर की मशीन है, इसका मॉडल नंबर है FM 2250। ये फ्लिपकार्ट से मैंने मंगाई है। इसकी स्पीड है 800 और 10 प्रकार की सिलाई करती है ये। चलिए इसको चालू करके देखते हैं। पहले हम AC सीरीज देख लेते हैं क्या क्या आया है और क्या क्या काम आती है। तीन बॉबिन है, ये कांच काटने के लिए कटर आता है, ये बटन लगाने का बूट है ये वाला, इससे कांच बनेंगे, ये धागे के उसमें लगेगा, इससे सुई वगैरह खोलते पेचकस का काम करता है, ये काज बटन लगती है जब लगता है, ये सब लगा कर दिखाएंगे। ये पीको बूट है, ये तो मुझे भी नहीं पता। सुई का पैकेट साथ आया, इतनी AC सीरीज साथ में आती है। अब इसको चालू करने के लिए इस प्लग को एक साइड साइड दिए होते हैं कि ये कैसा लगेगा उसी तरह लगेगा। ये इस तरह, चलिए हम इसको चला के देखते हैं। चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले ये क्लिप आई है, इसको इस तरह लगा लें छोटी वाली। उसके बाद इसमें ऐसे धागा डलेगा, ये चक्रा इस तरह लगा लें, इसको थोड़ा ढीला रहने दें। इसको ऐसे नहीं, ऐसे लगाएं,
बाबिन भरेंगे पहले। पावर ऑफ, पावर ऑन कर दिया साइड से बाबिन को, भरेंगे। तेज करो एक्सीलेटर, बाबिन को लगा लें। धीरे 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 डालें। निकालो धागा, फिर से डाल कर दो। सबसे पहले धागे को हाँ इस पत्ती में फंसा लें, फिर इसके पीछे से लाएं इस तरह, इस पतली लाइन में से डालें, फिर नीचे से ऊपर करें धागे को और यहाँ पर इस पत्ती में लबलबी में फंसाएं। उसके बाद फिर नीचे लाएं, यहाँ भी एक पत्ती रहती है, उसके बाद सुई में डालें। सबसे पहले हम काज बनाएंगे, दोनों धागा ऊपर कर लें। इसका प्रेशर बूट निकालना बताते हैं। ये पीछे जो एक डंडी रहती है इसको दबाएं, नीचे निकल जाता है ये। अब हम काज वाला लगाएंगे, ये काज ये है, ये पीछे रहेगा, इस तरह लगेगा ये। ये दो आगे जो टांगे रहती है वो आगे आएगी, लगाओ। ये लग गया हमारा। काज बनाने के लिए सबसे पहले एक नंबर पे करें इसको, ये एक नंबर दिख रहा है काज के लिए, रेड तीन निशान है। एक नंबर को बिंदी पे कर लें और ऊपर इसको एक नंबर पे कर लें टांके को। कपड़े को इस तरह रखें, काज कितना बड़ा बनाना है इस निशान के हिसाब से। और छोटा कर लें टांके,
अब इसको दो नंबर पर करें, लाल वाला बीच वाले निशान पर कर लें, इससे टांकी बनती है। सुई को ऊपर करके फिर अब इसको तीन नंबर पर करें, यहाँ तक पीछे जा जाने दो। अब फिर दो नंबर पर करें इसके टांकी के लिए, फिर एक नंबर पर करें, दो चार टांके इधर मार दें, बस निकाल लें। अब काज देखें कैसा बना है, इधर देते हैं काटने के लिए कटर। काज देखिए, शर्ट के लिए तो ठीक नहीं है, बाकी पेंट के लिए बहुत बढ़िया काज बनते हैं। ये हमारे काज बन गए हैं, इसको कटर से काट के दिखाते हैं। ध्यान से काटना पड़ता है, नहीं तो ज़्यादा कट जाते हैं। बीच में चलना चाहिए कटर बिल्कुल आराम से। ये हमारे काज कट गए इस तरह से। चलिए एक काज और बनाकर दिखाते हैं पेंट पर। सबसे पहले एक नंबर पर रख लें इसको, और ये पोजीशन देख लें, एक से थोड़े कम पर है टांके, और आप चलाओ तो अपने हिसाब से समझ जाएंगे। दबा कर रखना, दो नंबर कर लें, बस अभी बटन हार्ड है इसकी। फिर दो नंबर पर कर लें, फिर एक नंबर कर लें, बस ये देखें, ये सेल्फ के लिए काज बनाया है, कितना बढ़िया बना है। चलिए अब बटन लगाकर दिखाते हैं इसमें बटन कैसे लगती है। सबसे पहले ये लगेगा, ये दो प्रकार से लगता है, जिसमें नीचे दो टांगे रहती है, ये ऐसा लगेगा या ये ऐसा। इसके लिए लगा कर देख लें, फिर सुई चला के देखें, ये रॉन्ग है, सही है।
हाँ, ये सुई छेद में आए। हाँ बिल्कुल सही है। अब इसके लिए बटन के लिए ये बूट है, इसको लगाएंगे हम। इसी में बटन लगा कर दिखाते हैं। बटन को इस तरह रख लें आराम से। फिर सबसे पहले समझें, बटन के लिए ये जिग जैग के जो निशान बने हैं इस पे बीच में, पहले एक बार सुई को राइट तरफ में रखो, एक एक छेद में डाल के देख लें और दूसरे में चला के देख लें, सही आए। अब चला दें, चला दो तेज, बस 4-6 टांके मारें फिर पलटा लें इस तरह, दूसरे छेद में देख लें, ये हमारी बटन लगी। देखें दोस्तों, ये 5 साल से मैं बटन ये मशीन से ही लगा रहा हूँ, कभी कोई शिकायत नहीं आई है कि बटन निकल जाती है, ऐसी कोई शिकायत अभी तक नहीं आई है। मेरे पास ये पहले ये मशीन है सिंगर की ही, इसका नंबर है 1409। बाकी ये मैंने, ये इससे बड़ी मशीन है, इसकी स्पीड 1409 है इसका नंबर, इसकी स्पीड 700 है, इसकी 800 है, ये थोड़ी हैवी मशीन है। इसमें बाकी पीको होता है, मुझे देखिए इस तरह से ही टोटल 10 सिलाई होती है, 10 प्रकार से। इस पे सिंपल सिलाई करने के लिए ये दिए हैं, ये 2 सिलाई होती है सिंपल सीधी सिलाई, कपड़े सिलाई के लिए नॉर्मल इस पे करना पड़ता है आपको। ये 2 इसलिए देते हैं कि सुई या तो इस साइड चलाना है आपको या इस साइड, इसके लिए रहते हैं ये। चलिए इसकी सिलाई और चला कर देखते हैं। बूट लगाएंगे हम, ये वाला आता है, इसमें सुई इस तरफ चलेगी, इस सिलाई पे करने करेंगे तो, और इसमें करेंगे तो इस तरफ चलेगी। आपको सहूलियत के हिसाब से कर लें। धागा हिट गया, ये सीधी सिलाई होगी इस तरह से, तेज चलाओ। फुल स्पीड पे ये घरेलू काम के लिए ठीक है, अपन टेलर लोगों के लिए तो बस, मैंने तो सिर्फ बटन लगाने के लिए रखी है और पेंट में काज करने के लिए। अब इस साइड वाली सिलाई लगाएंगे, इस साइड से कैसे लगती है ये भी देख लें। और इसकी डिजाइन वाले एक डिजाइन बनती है इस तरह से, इस जिग जैग ये कई प्रकार से चलते हैं।
दोस्तों वीडियो बड़े हो जाते हैं, इसलिए बस इतना ही आज के लिए। अगर आपको लगे कमेंट ज़रूर करें, पीको अगर वगैरह अगर आपको देखना है इससे पीको कैसा होता है, और ये डिज़ाइन कैसी होती है, तो कमेंट्स करें, मैं और वीडियो बना दूँगा। हाँ दोस्तों, इस मशीन को परचेस करना है तो ये फ्लिपकार्ट से मंगाई है मैंने, ये मेरे को 8,500 में पड़ी है, 8,500। आपको ख़रीदना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए देता हूँ, आप वहाँ से परचेस कर लें। और वीडियो कैसा लगा है ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वीडियो, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।